वेलकम टू गाइस। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक HSTech चैनल पे एक यूजफुल वीडियो। दोस्तों, आपको पता होगा कि आजकल मोबाइल का जमाना है और मोबाइल से बहुत सारे फ्रॉड हो जाते हैं। कई बार हम अपने डॉक्यूमेंट देते हैं किसी सेलुलर कंपनी को या मोबाइल ऑपरेटर को कि हमारा सिम एक्टिवेट कर दो, पोर्ट कर दो, पर बदले में ऑपरेटर उस डॉक्यूमेंट का यूज़, वैसे तो बहुत कुछ डिजिटल हो गया, नहीं हो पाता, पर कुछ सिस्टम में से कमियां निकाल के कुछ लोग उसको एक्टिवेट कर देते हैं और हमें नहीं पता कि हमारे नाम पर कितने मोबाइल नंबर चल रहे हैं। हो सकता है उस मोबाइल नंबर को कोई और यूज़ कर रहा हो सकता है उस मोबाइल नंबर से कोई गलत एक्टिविटी हो जाए, तो उसके बाद जब उस नंबर को ट्रेस किया जाएगा, उसकी आइडेंटिटी चेक की जाएगी, तो हमारा आधार कार्ड वहाँ सिंक होगा और जो भी एक्शन होगा, फर्स्ट कानूनी लीगल एक्शन हमारे ऊपर हो जाएगा। तो उस चीज की समाधान के लिए हमारी भारत सरकार ने एक वेबसाइट लॉन्च किया है, टफ कॉप, टेलीकॉम एनालिटिक्स फॉर फ्रॉड मैनेजमेंट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन। अभी मैं आपको लैपटॉप स्क्रीन पर लेके चलूंगा और हम इस वेबसाइट को ओपन करेंगे। इस वेबसाइट को ओपन करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप अपना मोबाइल नंबर डालकर, जो आपके नाम पर आपके पास चल रहा है, उस नंबर के डालते ही आपके जितने भी नंबर आपके नाम पर चल रहे होंगे वो सभी के सभी दिखाई देंगे। तो दैट्स ऑल। और वहां पर ऑप्शन है कि आप मेंशन कर सकते हो कि ये मोबाइल नंबर मेरा नहीं है, तो वो नंबर टेलीकॉम अथॉरिटी द्वारा बंद कर दिया जाएगा। तो वेरी सिंपल, एक यूजफुल ट्रिक आपके लिए आज हम HSTech चैनल पर लेके आए हैं। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, ताकि हमारा हौसला बने और हम आपके लिए HSTech चैनल पे ऐसे बेहतरीन यूजफुल वीडियोस लाते रहें और आपके भी काम के। तो वीडियो को लंबा ना करते हुए चलो चलते हैं हमारी लैपटॉप स्क्रीन पर। तो लैपटॉप स्क्रीन पे आपको दिखा दें कि आपको एक वेबसाइट ओपन करनी है जी, बिल्कुल सिंपल, tafop.digitelecom.gov.in। जैसे ही इस वेबसाइट को ओपन करेंगे तो आपके ब्राउजर पर ये स्क्रीन दिखाई देगी, टैफकॉप पोर्टल्स। इस वेबसाइट पे आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, जो मोबाइल नंबर आपको पता है कि आप अपने नाम से चला रहे हैं। वैसे तो इस वेबसाइट पर एक चीज लिखी हुई है, करंटली दिस फैसिलिटी इज अवेलेबल ओनली ऑफ आंध्र प्रदेश, केरला, राजस्थान एंड तेलंगाना कंज्यूमर, बट ऐसा नहीं है, अभी इसमें स्ट्रेंथन हो गया है। और जैसे मैं इस समय अपना मोबाइल नंबर विजिट करूंगा जो कि हरियाणा का है, मैं इंडिया में हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, तो हरियाणा का नंबर हम इस पर डालेंगे और ये अभी डिटेल्स देगा। तो मैं अपना मोबाइल नंबर इस पे एंटर कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट टू ओटीपी। जैसे मैं फेस करूँगा रिक्वेस्ट टू ओटीपी, तो मेरे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सिस्टम द्वारा सेंड कर दिया जाएगा। वो ओटीपी जैसे मैं इसमें डालूंगा तो मेरा मोबाइल नंबर, ये वेबसाइट मेरे मोबाइल नंबर के साथ साथ मेरे नाम पर जितने मोबाइल नंबर चल रहे होंगे वो सारे डिस्प्ले कर देंगे। ये देखिए जी, मैंने अपना मोबाइल नंबर डाला ये वाला, जबकि इसने मेरे नाम से बहुत सारे मोबाइल नंबर दिखा दिए। अब ये मोबाइल नंबर तो मेरे है ही नहीं, मैं फर्स्टली इस वेबसाइट पे आया हूँ और मुझे क्या मिलता है कि मेरे नाम पे तो कई मोबाइल नंबर चल रहे हैं। अब ये नंबर मेरा नहीं है, ये भी नहीं है, हो सकता है मैंने पहले कभी लिया होगा और या यूज़ करके मैं आज इसको यूज़ नहीं कर रहा, या कुछ इस तरह का एक्टिविटी रहा होगा तो मैं आज तो इन नंबरों को यूज़ नहीं कर रहा, बट ये सभी नंबर मेरे नाम से चल रहे हैं। हो सकता है ये नंबर वैलिडिटी ना डलाने के कारण एक्सपायर हो गए होंगे या कुछ, पर मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं इन नंबरों को बंद कराने की रिपोर्ट करवा दूँ। तो वेरी सिंपल,
हमें जिस जिस नंबर हम ऑपरेट नहीं कर रहे, हम चला नहीं रहे, उन नंबर्स पे टिक कीजिए, देन रिपोर्ट पे क्लिक कर दीजिए। 3 नंबर मेरे हैं, मैं इनको रखना चाहता हूँ, बाकी नंबरों को रिपोर्ट कर दूंगा। योर नंबर सेक्रेटरीज रिपोर्टिंग। यहाँ हम लिख सकते हैं दिस इज नॉट माई नंबर, दिस इज नॉट माई नंबर एंड दिस इज नॉट माई नंबर। मैं इनको कह रहा हूँ कि ये मेरे नंबर नहीं है, इन पे एक्शन लिया जाए। नेम रिक्वायर, यूज द नेम। यूजर नेम ओके। ये हमसे वेबसाइट कह रही है कि आप नाम बताएं कि आपका नाम क्या है। तो मैंने अपना नाम डाल दिया, देन 4 नंबरों को मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ। रिक्वेस्ट सबमिटेड एंड टिकट आईडी एंड रेफरेंस नंबर इज जनरेटेड। सेम टास्क मुझे मैसेज भी आ गया है और मुझे ट्रैकिंग आईडी भी मिल गई है। तो वेरी सिंपल, आप इस वेबसाइट पे आए, आपका नाम से जो मोबाइल नंबर एक्टिवेट है उसको डालिए, और जो नंबर आपके नाम पर नहीं है उनको रिपोर्ट कीजिए अपना नाम डालकर, और आपके नंबर बंद कर दिए जाएंगे। और यहाँ पर ऑप्शन भी है कि आप नेक्स्ट टाइम इस वेबसाइट पर आए तो यहाँ जो ट्रैकिंग नंबर एसएमएस के द्वारा या जब हमने सबमिट किया था स्क्रीन पर भी हमें मिला था, वो ट्रैकिंग नंबर यहाँ डालिए और आप अपना मोबाइल नंबर की जो इन्फॉर्मेशन है, ट्रैकिंग का क्या स्टेटस रहा, वो आपको दिखा दिया जाएगा। तो ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है और आसान प्रोसेस है, और आपको भारत सरकार के इस डिजिटल अभियान में, हम तो एक छोटी सी इकाई है और हम अपने चैनल के माध्यम से लोगों को ये अवेयर कर रहे हैं कि आप अपने मोबाइल नंबर के साथ जो एक्स्ट्रा मोबाइल नंबर चल रहे हैं वो आप नहीं ऑपरेट कर रहे, तो प्लीज़ यहाँ रिपोर्ट करके अपने उन नंबरों को ब्लॉक करवा दीजिए, ताकि कल को उस नंबर से कोई मिसयूज ना हो और आप पर कोई एक्शन ना हो जाए। तो आज की वीडियो में इतना ही। सो अभी हम इस चैनल को लॉग आउट कर देते हैं, इस वेबसाइट को। ये वेबसाइट है, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया जाएगा और आपकी स्क्रीन पर भी रहेगा। तो अभी तक इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये यूजफुल इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। सो थैंक यू एंड बाय बाय।